सो हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू मरियम का मैजिक। आई होप कि आप सारे लोग अच्छे होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और यहाँ पे मैं सुबह का नाश्ता कर रही थी, एक और आधी रोटी और थोड़ी सी आलू की सब्ज़ी, थोड़ी सी भिंडी की सब्ज़ी, फिर जोहर की नमाज़ पढ़ी। और आज मैं दिन भर में कुछ भी शूट नहीं कर पाई थी, तो शाम के वक्त जब मैं अपने गार्डन के काम के लिए गई ना छत पर, तो वो शूट की हूँ। यहाँ पे मैंने ना आटा जो हमारे घर में आता है उसका रैपर लिया है, और वैसे भी ये वेस्ट में जाता है, तो मैंने सोचा कि क्यों ना इसे कुछ रीयूज़ कर लिया जाए। तो इसे मैंने टॉप से कट कर दिया और इस तरह से इसे पलट दिया है ताकि थोड़ा सा प्रिंट जो है वो छिप जाए। और साथ ही इसमें ड्रेनेज होल जो है नीचे मैंने बना लिया, बड़ी ईजिली बन जाता है इसमें। और इसमें सबसे पहले मैं बेस में ना कपड़े दे रही हूँ, कुछ भी रफ फालतू सा जो आपका जो रिजेक्ट कपड़ा होता है ना, वो आप एक थिक लेयर उसका दे दो ताकि मिट्टी जो है वो ड्रेनेज होल से बाहर ना जाए। साथ ही मेरे पास यहाँ पे कॉर्डन केक जो है वो पड़े हुए थे, जो गोबर के उपले होते हैं, तो उन्हें मैं सबसे सेकेंड लेयर जो है बॉटम में दे रही हूँ ताकि ये एक फर्टिलाइज़र का काम करता रहे, नीचे से जो है सॉइल को फर्टिलिटी मिलती रहे। और इसके बाद ये जो है ना वीड्स जो प्लांट्स में हो जाते हैं मिट्टी में, जो हमारे बिना मतलब कि कोई क्या मैं कहूँ कि जिसका कुछ भी यूज़ नहीं होता है, तो इसे हम लोग वीड्स को जब निकालते हैं मिट्टी से तो उन्हें वैसे ही इधर उधर फेंक देते हैं, तो उन सबको मैं डाली थी नीचे। और ऊपर से फिर मैं ना ड्राई लीव जो होते हैं उन सबको डाल दी, फिर सॉइल का एक लेयर डाली थी ताकि एक अच्छा सा मेरा जो है कंपोस्ट भी नीचे बनता रहे। और यहाँ पे देखें कि बालसम जो फ्लावर होता है उसका ढेर सारा प्लांट्स खुद से ग्रो कर गया था। ये एक टीन का डब्बा है और इसमें मैंने ना कोई भी सीड नहीं डाला, मेरी मिट्टी में रह गए थे सीड्स, तो उससे ढेर सारे बालसम के जो है सैपलिंग बन गए हैं, उन्हें मैं निकाल दी हूँ। और देखिए रूट्स भी अच्छे से बन गए हैं। तो इस तरह से मैं इस ग्रो बैग में जो मैंने आटे के प्लास्टिक से तैयार किया, आटे के रैपर से तैयार किया है, उसमें लगा दूँगी। और साथ ही यहाँ पे आप मेरा देखिए ट्यूब रोज जो प्लांट होता है ना रजनीगंधा का, तो ये बहुत सारे ग्रो कर रहे हैं। लेकिन ये जो ग्रो बैग है ना मेरा, ऑनलाइन मैं मंगाई थी काफ़ी टाइम पहले, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा तो नहीं लगा और ये फट भी रहे हैं, तो इनसे मैं इस प्लांट को निकाल करके एक पॉट में अच्छे से इसे रिप्लांट कर दे रही हूँ ताकि ये अच्छे से ग्रो कर जाए। और बहुत आसानी से ये ग्रो हो जाते हैं। अगर आप चाहते हो कि मैं बताऊँ या शेयर करूँ कि ट्यूबरोज प्लांट को किस तरह से ग्रो करना है, तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, क्योंकि मेरे घर पे अल्हम्दुलिल्लाह ट्यूबरोज के बहुत सारे प्लांट हो गए हैं। और ख़रीदी तो मैं एक ही थी, लेकिन बहुत सारे एक ही से बहुत सारे जो है मल्टीप्लाई होते चले गए। और यहाँ पे मैंने जो सारे आज प्लांट्स लगाए थे ना, उन्हें वाटरिंग करके शेड एरिया में रख दिया। इसके बाद शाम में मैं आई थी थोड़ा बाहर कुछ सामान लेने, उसके बाद चाय बना रही हूँ सारे लोगों के लिए। तो यहाँ पे मैं दूध जो है वो पहले बॉयल कर लूँगी, उसके बाद इसमें चीनी, चाय की पत्ती, ये सारी चीज़ें डाल दी थी और चाय बना रही हूँ। और बहुत ज़्यादा कुछ आज मैं शूट तो नहीं की हूँ, लेकिन अचानक से हमारा ना बाहर जाने का आज शाम का प्लान बन गया है, तो अभी सबसे पहले हम लोग अपने चाय को इंजॉय करेंगे और उसके बाद जो है तैयारी करेंगे। तो शाम के वक्त मेरे घर में लगभग सारे ही लोग या ज़्यादातर लोग जो है चाय पीते हैं, तो यहाँ पे चाय का ट्रे जो है रेडी हो गया है और सारे लोग हम लोग चाय अभी अपना अपना ले रहे हैं चाय का कप। साथ ही मैं तड़का का जो दाल होता है ना उसे अभी सोक कर दूँगी, क्योंकि आज रात में तड़का बनने वाला है। और ये इसके साथ ना मिक्स दाल आता है, इसके साथ ही ये लोग स्पाइसेस का पाउडर भी देते हैं जिसे आप तड़का में यूज़ कर सकते हो, तो हम लोग कभी यूज़ करते हैं कभी नहीं करते हैं, तो इसे मैं सेपरेट कर दे रही हूँ। और दो छोटे छोटे पैक थे तो दोनों को ही मैंने सोक होने के लिए रख दिया है। और इसके बाद हम लोग चले गए बाहर, और बाहर हमें आज कहाँ जाना है डेस्टिनेशन कुछ फिक्स नहीं है, बस रैंडमली हम लोग बाहर जा रहे हैं। और हम सब बहनें हैं, पापा हैं, भाई हैं, और बस ऐसे ही अपने शहर की खूबसूरती को एंजॉय करने के लिए आज निकल गए थे। यूसुफ भी हमारे साथ था और यूसुफ भी कॉन्स्टेंटली अपनी जो बातें हैं हमसे शेयर कर रहा है, तो बस चले आप लोग भी हमारे साथ एंजॉय करें। सबसे पहले तो हम लोग जुबली पार्क के तरफ जाएंगे और उसके बाद हमें जाना है डायमंड पार्क, तो भाई का जहाँ जहाँ मूड होगा बस वो लेकर के हमें जा रहा है और हम लोग उसके साथ निकल पड़े हैं।
यूसुफ इधर आ, शबाना हट जरा, यूसुफ को देखे, यूसुफ यूसुफ इधर देखो, हट, कोशिश कर रहा, वाह बेटा, नहीं खुलेगा अंकल मारेंगे। तो दोस्तों हम लोग जो है ना जुबली पार्क को क्रॉस करते हुए कीनन स्टेडियम के पास सर दोराब जी टाटा पार्क, जिसे डायमंड पार्क भी कहते हैं, वहां आए थे, लेकिन 8 बजे के बाद ये पार्क बंद हो जाता है। तो अगर आप लोग भी आ रहे हैं तो प्लीज़ कोशिश करें कि 8 बजे के पहले आएँ। खैर कोई नहीं, हमें तो वो वाली बात होती है ना कि जो मौका मिल गया है बस उसे अल्लाह का शुक्र अदा करके इंजॉय करना है। तो हम लोग जो है बाहर से ही रील्स कुछ बना लिए थे और शूट भी थोड़ा बहुत कर लिया आप लोगों के लिए, और इसके बाद अब हम लोग जा रहे हैं बिष्टुपुर की तरफ। वैसे साइड से भी ये जो डायमंड है ना बड़ा ब्यूटीफुल लगता है माशाल्लाह, और डायमंड को ऐसे लॉक कर दिया गया कि मुझे लगा सच में हम लोग किसी डायमंड को ही देखने आए थे। खैर यहाँ से फिर हम लोग बिष्टुपुर की तरफ बढ़ गए हैं, और चूँकि हमने कुछ खाया पिया नहीं था तो हमारा इरादा था कि अभी सॉफ्टी कॉर्नर जाएंगे और वहाँ से जा कर के कुछ हम लोग आइसक्रीम सॉफ्टी कुछ भी इस तरह का लेंगे। तो अभी हम लोग बिष्टुपुर गोल चक्कर के पास आ गए हैं, और आज हम लोग जो हैं काफ़ी टाइम बाद सारे लोग निकले हैं, कज़न सिस्टर भी मेरी जो कोलकाता से आई है वो भी हमारे साथ है। एंड गाइज मैंने आपसे पहले भी शेयर किया है कि मुझे बिष्टुपुर में घूमना ना बहुत पसंद आता है, पता नहीं क्यों मुझे बहुत अच्छा लगता है, और ख़ासकर शाम के वक्त रात के वक्त बिष्टुपुर का एक अलग ही वाइब रहता है। खैर बातों बातों में ही हम लोग आ गए थे यहाँ सिटी स्टाइल के पास, ये जो पेट्रोल पम्प है ना इसके पीछे जो है सॉफ्टी कॉर्नर है। तो अभी हम लोग जाएंगे सॉफ्टी खाने के लिए, लेकिन उससे पहले ना हमें नज़र आ गया था यहाँ पे गोलगप्पा, तो गोलगप्पे हम लोग पहले एंजॉय करते हैं। अच्छा तो गोलगप्पे खाने के बाद अब चलते हैं अंदर। यूसुफ नीचे उतरो, ए बेटा आइए। Thank you.
मैं बिस्तुपुर जब आती हूँ ना तो अक्सर टाइम लैप्स करती हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है सड़कों पे इस तरह से लोगों को और गाड़ियों को आते जाते देखना, और सब कुछ गुजर जाएगा, बस सड़कें रह जाएंगी और ये वक्त ख़त्म हो जाने वाला है, बस अभी जो है सो है। तो खैर हम लोग जो है ना सॉफ्टी कॉर्नर पर एक ब्राउनी ओरियो शेक लिए थे, और मैं ली थी एक मैंगो फ्लेवर का आइसक्रीम जो कि बहुत लजीज था और 210 रुपए में दोनों ही आ गया था। इसके बाद मैं घर आई तो देखा मम्मी ने तड़का बना दिया है, तो मैं जल्दी जल्दी से रोटियां यहां पे बना रही हूं क्योंकि आज रात के डिनर में हम लोग तड़का रोटी खाने वाले हैं। बाहर हम लोग सिर्फ आइसक्रीम और गोलगप्पे, मैं तो दो ही पीस खाई थी, तो वैसे भी बिष्टुपुर में 20 रुपीस में सिर्फ 6 पीसेस जो है गोलगप्पे मिल रहे थे, तो हमने ज़्यादा कुछ खाया नहीं, इसलिए डिनर आज करने वाले हैं घर में हम लोग। तो रोटियां मैं थोड़ा जल्दी जल्दी बना रही हूं और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी रोटियां अच्छी बन रही है। लास्ट टाइम फूफी के घर में उतनी प्रॉपर जो है मैं नहीं बना पाई थी। खैर इसके बाद हम लोग जो है अपने रात का डिनर इन्जॉय किया, अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ बहुत अच्छे से रहा, अल्लाह का शुक्र आज का दिन बहुत अच्छे से गुजरा। आपसे मिलती हूँ अगली वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।